स्विगी जोमैटो के डिस्काउंट पर अब कितना लगेगा जीएसटी, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का पेट्रोल डीजल के दामों पर पड़ेगा कितना असर और नए इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी आज की बड़ी खबर क्या है, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए मनी नाइन। स्विगी और जोमैटो ग्राहकों के डिस्काउंट पर अब टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहेगी। दरअसल 1 जनवरी से फूड ई कॉमर्स कंपनियां जीएसटी के दायरे में होंगी। इन सभी कंपनियों को रेस्टोरेंट की श्रेणी में रखा जाएगा। इन्हें ऑर्डर किए गए फूड की कुल कीमत पर 5% जीएसटी लगेगा। इससे ऑनलाइन फूड महंगा मिलेगा और डिस्काउंट ऑफर्स में कमी आएगी। सरकार ने एमवे, ओरिफ्लेम और टप्परवेयर जैसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को पिरामिड स्ट्रक्चर के जरिए सामान बेचने पर रोक लगाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को देश में कम से कम एक रजिस्टर्ड पता देना होगा। नए नियमों में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। जिन टैक्स पेयर्स ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने आयकर रिटर्न्स का अभी तक ई वेरिफिकेशन नहीं किया है तो अब वे इसे 28 फरवरी 2022 तक करा सकते हैं। आयकर विभाग ने ई वेरिफिकेशन की समय सीमा को आगे बढ़ाया है। अगर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो ये माना जाता है कि रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है। विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिर से बढ़ने शुरू हो गई हैं। इससे पेट्रोल डीजल और महंगा होने की आशंका बढ़ गई है। ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड का भाव $80 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। जानकारों का कहना है कि मौजूदा स्तर से ब्रेंट क्रूड का भाव और बढ़ सकता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने के बाद ओला इलेक्ट्रिक अब बैटरी चार्ज करने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ओला इलेक्ट्रिक ने हाइपर चार्जर नाम से चार्जिंग नेटवर्क बनाने की शुरुआत कर दी है। ये चार्जिंग स्टेशन सभी बीपीएल पेट्रोल पंपों और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में स्थापित किए जाएंगे। बजाज ऑटो ने पुणे के पास अकुर्डी में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री की शुरुआत की है। कंपनी ने इस पर 300 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस फैक्ट्री की क्षमता सालाना 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की है। इस फैक्ट्री से वाहनों का पहला लॉट जून 2022 में बनकर बाहर निकलेगा। इस फैक्ट्री में 800 लोगों को रोजगार मिलेगा। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल अब ऐसा फोन लाने वाली है जिसमें सिम लगाने वाला स्लॉट ही नहीं होगा। ब्राजील की वेबसाइट ब्लॉग डू आईफोन का दावा है कि एप्पल ये फोन सितंबर 2023 में लॉन्च करेगी। इस मॉडल का नाम आईफोन 15 प्रो होगा। सिम कार्ड स्लॉट हटा देने से आईफोन की वाटर रेसिस्टेंस क्षमता बेहतर हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स में बैंकों की सेहत को लेकर चिंताजनक अंदेशा जारी किया गया है। रिजर्व बैंक की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकों का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी ग्रॉस एनपीए सितंबर 2022 तक बढ़कर 8.1 से 9.5% तक हो सकता है। एनपीए बढ़ना बैंकों की सेहत के लिए हानिकारक है। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस से जुड़ी अच्छी खबर है। पेंशन नियामक पीएफआरडीए खाता धारकों को निवेश के पैटर्न में एक वित्त वर्ष में 4 बार बदलाव करने का विकल्प देने पर विचार कर रहा है। जल्दी इसकी शुरुआत की जाएगी। फिलहाल एनपीएस में साल में 2 बार निवेश पैटर्न बदलने की इजाजत है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।